प्याज का अचार बनाने के लिए हमने प्याज को बड़े बड़े काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम किया, तेल अभी गरम नहीं हुआ है, ये देखिए। अब जब राई हमारी थोड़ी डालते ही तेल में ऊपर आनी शुरू होती है, मीन्स तेल गरम हो गया है, इसमें हमने अच्छी मात्रा में राई डालनी है। तीन चार तेज पत्ते चौक में। अब हम इसमें हल्दी, मिर्ची डालकर तुरंत हम इसमें प्याज डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया। गैस बंद कर दी और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारा प्याज का अचार शाम तक रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ये देखिए हमारा प्याज का अचार रेडी है खाने के लिए। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। अगर आप इसको तीन चार दिन रखना चाहते हैं तो इसमें तेल का छोंक थोड़ा ज़्यादा लगा दें और तेल इतना रहे कि ये प्याज उसमें डिप रहे, तो ये आपका 5-7 दिन भी ख़राब नहीं होगा। सो इन्जॉय। मोठ की रोटी और बेसन की रोटी के साथ खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। सांगरी केर का अचार बनाने के लिए ये है सांगरी, जिसे आधे घंटा आप भिगा कर पानी में, उसके बाद इसको कुकर में एक सीटी दिलाकर बॉईल कर लें। ये है केर, जिसे आपको 3-4 पानी से अच्छी तरह से 3-4 बार धोना है। इसके अंदर राख बहुत निकलती है, जब वो सारी राख निकल जाए, पानी एकदम क्लीन हो जाए, तब आप उसको साफ पानी में भिगा दें। 7-8 घंटा भीगने के बाद इसे कुकर में एक सीटी में बॉईल कर लें। किशमिश, इसको भी कुकर में एक सीटी में बॉईल कर लें। बड़ी वाली मिर्च, लाल मिर्च कश्मीरी, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती, उसे भी हमने लिया है, उसे भी हमने हल्का सा बॉईल कर लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। उसके अंदर के सारे बीज निकाल दिए हैं मैंने। इसके अलावा आप कमल ककड़ी भी ले सकते हैं। कमल ककड़ी यानी कि लोटस की स्टेम, जो ड्राइड भी अवेलेबल होती है मार्केट में, अगर आपको फ्रेश नहीं मिलती है तो। अगर वो ड्राइड है तो उसे थोड़ी देर भिगा कर 1-2 सीटी कुकर में दिला दें, और अगर वो वेट है तो उसे पतला पतला काट कर आप 1-2 सीटी कुकर में दिला दें। इन सब आइटम्स को आपको अलग अलग बॉईल करना है। इसके अलावा आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। खजूर को लंबा लंबा पतला पतला काट लें और उसे भी 1 सीटी कुकर में बॉईल कर लें। इन सब आइटम को आप अलग अलग रखें और फिर हम इसका अचार बनाएंगे। हमने कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कर लिया है। अचार के लिए हमें अच्छी क्वांटिटी में तेल चाहिए। जीरा डाला मैंने, तेज पत्ता, क्वांटिटी के हिसाब से हम तेज पत्ता डालेंगे। गैस को धीमी आंच पर कर दें। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची के साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया था किशमिश का, उबाली हुई किशमिश का पानी, ताकि हमारी मिर्ची जले नहीं। थोड़ा सा पानी मैंने डाला और ये पानी ऑलमोस्ट जल जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सांगरी। केरिया, जो भी हमने उबाला था सब कुछ हम अब इसमें डाल देंगे। गैस
गैस की आंच धीमी रहे। नमक एज मच रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत हो क्वांटिटी के हिसाब से। धनिया पाउडर, और थोड़ा अमचूर पाउडर। सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच धीमी ही रहेगी ताकि हमारा कोई भी मसाला जले नहीं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले, एक दो मिनट पकाने के बाद जब लगे कि पानी बिल्कुल नहीं है, तब हम इसे बंद कर देंगे गैस को। हमारा सांगरी केरिया का अचार रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है सारे मसालों को, और एक दो मिनट पकने देंगे हम इसको ताकि पानी ना रहे, और फिर हम गैस बंद कर देंगे। और ठंडा होने पर हम इसे दूसरे किसी भी कंटेनर में डाल के रख देंगे। हमारा सांगरी केरिया का अचार रेडी है खाने के लिए। ये देखिए, हमारा सांगरी केरिया का अचार रेडी है खाने के लिए।